नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। आज हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं। आज एक खास बात हुई है, गिरीश गौतम जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें लगभग 1100 शब्द हैं जो असंसदीय शब्द हैं जिनका विमोचन किया गया है। गिरीश जी, आपने बहुत छांट के शब्द लाए हैं, बंटाधार भी है उसमें, ससुर भी है। हमने नहीं छांटा शब्द, न शब्दों का चयन हमने किया। विधानसभा में 1954 से लेकर आज तक जिन शब्दों को असंसदीय मानते हुए आसंदी से विलोपित करने का आदेश हुआ, उन्हीं से तारीख वार किस तारीख को यह शब्द बोले गए उसका संकलन किया हमने। इतना रिसर्च करना पड़ा कि 1954 से लेकर के, अब कल्पना करिए, 46 साल वो हो गया, अब 20 साल या 66 साल के मध्य प्रदेश के इतिहास में विधानसभा के, या विंध्य प्रदेश का और नागपुर विधानसभा का, इनको सबको जोड़ करके जो शब्दों का विलोपन हुआ होगा उन्हीं शब्दों को, इसीलिए मैंने तारीख सही डाला किस तारीख को ये शब्दों का उपयोग हुआ, उनको विलोपित किया, उनको निकाल करके लाया। आपका कार्यकाल अभी बड़ा संक्षिप्त है और आपने इतना बड़ा काम कर दिया, उसमें लगभग 1100 शब्द आपने छांट लिए पूरे देश से। आपने बहुत खासा ख्याल रखा है विपक्ष का भी और पक्ष का भी, कमल के फूल की भी बात की है और पप्पू और बंटाधार की भी बात की है, वहीं आपने पत्रकारों को भी शामिल कर लिया है, ये सोच आपको कैसे आई? वहाँ जब मुझे बैठाया गया तो दोनों तरफ से कहा गया ना कि निष्पक्ष रहोगे तो उसका तो पालन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। भाई दोनों पक्ष ने कहा ना कि निष्पक्षता का भाव रखेंगे, प्रतिपक्ष से भी उम्मीद की गई और सत्ता पक्ष से भी कहा गया कि अब आप निष्पक्षता की कुर्सी पर बैठ गए, न्याय सही होगा वहाँ से। तो मैंने प्रयास किया कि चूँकि मैं आसंदी में पूरे विधायकों के अधिकारों का संरक्षक हूँ, इसलिए उस संरक्षक की भूमिका में रहना चाहता हूँ। जब भी विधानसभा की कार्रवाई देखते तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मछली बाजार जैसा, एक किसी बच्चे ने उनको बताया, वो वाली स्थिति वहाँ बन जाती थी, अब बड़ा ही संसदीय। और उसमें उनने अपनी तरफ से थोड़ी कहा, भाई कोई बच्चे देखने आए विधानसभा में और झगड़ा करते हुए वो निकले, जब देखा और बाहर गए तो उनने कहा कि अनुभव, जब पूछा तो उनने कहा कि ये मक्खी बाजार है, तो उनने थोड़ी कहा मुख्यमंत्री जी ने, उनने तो कहा कि वो उन्होंने बताया कि बच्चों ने ऐसा बोला। अब उनने उस शब्द का प्रयोग किया, अब उसको वो इसीलिए उनने क्षमा मांगी कि मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए था, पर चूंकि बच्चों ने कहा था तो उदाहरण क्या देंगे, इसीलिए उनने कहा। तो ऐसा ही मेरा सवाल बस इसी से जुड़कर है, ऐसा ही जब विधानसभा में कार्रवाई होगी और वो ऐसी बता देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, और इस तरीके की भाषा फिर रिपीट हुई, तो उस पर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जो भी कार्रवाई नियम प्रक्रिया के भीतर वो करूँगा, वो निश्चित रहिए आप, पक्का करूँगा। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अभी बड़ी संक्षिप्त सी आपकी 4 दिन की विधानसभा है, उसमें कोई बड़ा काम आपने सोच के रखा हो? आप चाहते हैं कि सुबह से शाम तक चले, लेकिन विधायक उठ के चले जाते जैसे उनका काम पूरा होता है, कैसे रोकेंगे उनको? नहीं, विधायकों को कोई हमारे कोई क्लास यहाँ नहीं है, ना मैं उनका टीचर हूँ ना मैं प्रिंसिपल हूँ। विधायक को खुद सोचना पड़ेगा कि विधानसभा में रहने से ही उसकी समस्याओं का निराकरण करने का एक प्लेटफार्म है, विधायक को ये सोचना चाहिए। बाहर जाने से किसी तरह का, बाहर जाकर के उसी बात को कहते हो, अंदर आकर के कहोगे तो उसका असर होगा। बाहर केवल TRP मिल सकती है, खबर बन सकती है, फोटो छप सकती है, पर काम नहीं होना ये मान के चलो। यदि हमारे विधानसभा क्षेत्र का जिस सवाल को लेकर के हम चाहते हैं उसका निराकरण यहीं से होना, तो अंदर ही आना चाहिए विधायक को। मेरा आग्रह उनसे कि अंदर रहना चाहिए उनको, अंदर ही आकर के रहना चाहिए। लगभग 1100 शब्द हैं, प्रशिक्षण कब होगा और कब? ये अगले सत्र के पहले, जैसे ही उनकी सहमत मिलती है, जिनको हम चाहते हैं को आकर के प्रशिक्षण में शामिल हो, उनकी सहमत मिलते ही मैं तारीख की घोषणा कर दूंगा। अगले सत्र के पहले प्रयास करूँगी, यदि कोरोना तीसरा फेज नहीं आया तो प्रयास करूँगी किसी दरमियान हो जाए। आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी को। गिरीश गौतम जी साफ शब्दों में कह रहे थे कि असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल जो भी करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन तरुण यादव के साथ शिफाली गुप्ता, दखल न्यूज़। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।